हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बात बताने आए हुए हैं। वो बात कैसी है कि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड रहती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है कि घर क्यों लेना चाहिए। ये आपके मन में है कि मेरे पास घर नहीं है तो घर लेना चाहिए, बराबर है। दूसरी चीज, ये प्रॉपर्टी लेते वक्त तीन चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपना बजट प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि घर लेना है तो अपने बजट के अनुसार लेना पड़ेगा। आप जिस लोकेशन पर रहते हैं वो लोकेशन आप चूज़ कर लीजिएगा। वो लोकेशन से थोड़ा सा दूर 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 जाके प्रॉपर्टी सर्च कीजिएगा और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चूज़ कीजिएगा। उसमें दिक्कत यह आती है कि एक टाइम मिल जाता, पैसे देने के लिए टाइम मिल जाता, बैंक फाइनेंस के लिए टाइम मिल जाता। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, बिल्डर के व्यूज़ क्या है वो जान लीजिएगा। बिल्डर कैसी प्रॉपर्टी बना रहा है, अगर आपको प्लॉट लेके घर बनाना है ये अलग मैटर हो गया, बट बिल्डर की प्रॉपर्टी लेना है, फ्लैट लेना है, तो आपको ये बातें देखना पड़ेगा। अपना बजट प्लान करना पड़ेगा, आपका ड्यूरेशन एक साल में पोजेशन चाहिए, डेढ़ साल में चाहिए, दो साल में चाहिए। लोकेशन में देख लीजिएगा, आसपास में बैंक होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल होना चाहिए, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और आप अपना जॉब थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर दूर कर रहे हैं तो ठीक है, बट बच्चे पास के स्कूल में जाना चाहिए। फैमिली, अगर आपके घर पे मम्मी डैडी रहते हो तो 2 BHK प्लान करिए। न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो आप 1 BHK जस्ट स्टार्ट करिए, 2-4 साल वहाँ रहिए, फिर आप 2 BHK में शिफ्ट हो जाइए। वैसा ही आपको आसपास के एरिया में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के रेडियस में आप प्रॉपर्टी प्लान करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पर आप फ़ोन करें। बैंक की सहायता, प्रॉपर्टी सर्च करने की जिम्मेदारी, उसके बाद बिल्डर आइडेंटिफाई करके देना, ये सारी सुविधा हम लोग आपको मुफ्त सुविधा देते हैं। 2024 में हम लोग बहुत बड़ा एक्सपांड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो तुरंत फाइनेंस पे आएगा, कितना फाइनेंस लेना चाहिए, 0 फाइनेंस में क्या होता, अपने पास पैसे नहीं है तो घर कैसे लेना चाहिए, किस लोकेशन में क्या रेट में बजट में प्रॉपर्टी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।